अच्छा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग से भी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट के भी आते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है 17.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के पहले टू पार्ट्स हैं, ये आपके शॉर्ट में आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के अक्सर आए हुए हैं. इनमें से कोई कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आ जाता है और ये दीज टू क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इस चैप्टर को अगर आप ग्रिप में रखना चाहते हो तो डेफिनेशन है इसकी. कॉन्करेंसी की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल की, सर्कम सेंटर की, ऑर्थो सेंटर की, सेंटराइड की. दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज डेफिनेशंस. आपने इन डेफिनेशंस को स्किप नहीं करना. और उसके बाद आपने 17.2 की जब हम बात करेंगे, उससे पहले आपका जो मीडियंस का कॉन्सेप्ट है, ये ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है आपकी. और 17.2 में भी वही बात है कि अगर आप लॉन्ग सिक्योर कर चुके हो तो इसको भी स्किप कर दें, 17.3 को भी स्किप कर दें, कोई मसला नहीं होगा. और उसके बाद आपका है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 का, इनको भी स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इस पूरी एक्सरसाइज में देखनी है, ये पूरा पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये 7 पार्ट आपने इनको भी अच्छे से देखना है, इन 7 पार्ट्स को. उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेना है. और ये वाली डेफिनेशंस आर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 इस पूरी एक्सरसाइज में से. अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, डेफिनेशंस कर लेते हैं और ये रिव्यू एक्सरसाइज के जस्ट आप MCQs कर लेते हैं, दैट्स मीन पूरा 17 का 17 चैप्टर आपका सिक्योर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका ये सिलेबस हो गया. एंड एक चीज़ मैं आपको लास्ट पे दोबारा बता दूँ कि ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको पिछले 10 साल पेपर्स का एक निचोड़ आपके सामने रखा है कि क्वेश्चंस ऐसे बनते रहे, लेकिन इस साल ड्यू टू कोविड सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. सो होपफुली चीज़ें बहुत ईजी होंगी, बहुत सिंपल होंगी, लेकिन आपने इतना भी उनको लाइट नहीं लेना. जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी इस टाइम पे, फॉर एवरेज स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये चीज़ें करनी है. अगर आपने कुछ छोड़ना है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना. ये आपको, अगर आप इसको कर लेते हो तो ईजिली आप 55 से 60 मार्क्स तो आप डेड एंड पे ईजिली स्कोर कर लोगे, सिर्फ वो चीज़ें तैयार करके जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं. होप सो इंशाल्लाह आप लोग स्कोर करोगे. और जो लाइक स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज हैं, जो बी ग्रेडर्स हैं, उन सब के लिए ये है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सबसे पहले वो करें, उसके बाद आप क्या करें रिमेनिंग पार्ट्स करें. लाइक अगर आप चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें, जो चीज़ें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में से बताई हैं हर एक्सरसाइज में से, पहले वो करें उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स करें. और जो मैंने आपको बताई हैं उनको आपने अच्छे से करना है. और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह आपके जो 65 to 60 ये मार्क्स आपके ईजिली आ जाएंगे. और फिर आपने बोर्ड के पेपर्स के बाद मुझे बताना भी है कि आइदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो इम्पॉर्टेंट थी कि नहीं थी. इंशाल्लाह सी यू सून. और जाने से पहले आखिरी बात की, ये डेफिनेशंस आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 17 की. ठीक है, इनको आपने पहले करना है, साथ इनके फिगर की भी आपने फिगर्स भी प्रिपेयर करने हैं. नाउ ऑल ऑफ़ यू गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर, सी यू सून. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी होती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. And take care everyone. Allah Hafiz.